अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। आज हम टमाटर प्यूरी बना के दिखा रहे हैं। अभी टमाटर बहुत महंगे हो गए, तो हम बाजार में गए तो 80 रुपया उधर 40 रुपए से लाए हमने, इसलिए आपको बता रहे। ये देखो, ये टमाटर को हमने उबाल के लिए, ये पाव किलो टमाटर है, इसको उबाल के लिए है। अभी इसका ये ऐसा छील दे दो, पानी निकाल के अलग से रखे, पानी नहीं लेने का रहता इसमें, ये पानी निकाल के रखती है। अभी इसको खाली छील के पीसने का आपको बता, छील के भुनने का फ्राई पैन में वो बताते आपको। ये देखो, ये ऐसा छीलने का, इसको उबाल के लिए कुकर में एक सीटी में उबल गया। अभी इसको ऐसा छीलते हैं, देखो ऐसा छिलटा निकालने का। अभी इसको ऐसा देखो काटेंगे, टमाटर सस्ते हो गए ना, तो जल्दी से ऐसा बनाने का, और फ्रीजर के नीचे जो ट्रे रहती ना उसके अंदर डब्बे में पैक करके रख देने का। इसको 2 महीने तक यूज कर सकते हो। अभी इसको फ्राई पैन में डाल के इसको अच्छा, ये पूरा पानी सुखाएंगे इसका। ये देखो पानी पूरा इसका सुखा देने का। अभी इसमें नमक डालने का। ये देखो ये 1/2 किलो है, वो हिसाब से ये नमक है। अभी नमक डालने का, और ये नमक डालेंगे उसके बाद, इसको सूखने के बाद उसके अंदर तेल डालेंगे थोड़ा सा, 1 चम्मच, और 1 चम्मच सिरका डालेंगे। देखो पानी पूरा सूख गया, हाँ 5 मिनट में हो गया। अभी देखो सिरका 1 चम्मच, 1/2 किलो को 1 चम्मच सिरका डालेंगे, 1 चम्मच सिरका डालेंगे, और इसमें से 2 चम्मच तेल डालेंगे, अपना खाने का तेल। देखिए डाले, अभी इसको अच्छा और सुखाएंगे, और फिर इसको पीसेंगे, और इसको अभी सुखाने के बाद ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसको पीसेंगे, हाँ मिक्सर में पीसेंगे। अपन छिलका तो निकाल दिए ना इसका, अभी इसको मिक्सर में पीसेंगे, और पीसने के बाद डब्बे में भर के, हाँ 1-2 महीने तक चलेगा, 2 महीना आराम चलेगा। लेकिन इसको किधर रखेंगे, फ्रीजर के नीचे ट्रे में रखो, फ्रीजर के नीचे ट्रे में रखो, या तो किस में रखो, ट्रे रहती ना फ्रिज की, बर्फ की ट्रे, उसके अंदर डालो और वो फ्रीजर में रखो। जब चाहिए 2 टुकड़े 3 टुकड़े जैसा सालन बनाएंगे वो हिसाब से लेके यूज करो, ऐसा करो, ऐसा बनाने का। ये देखो अभी हमने, ये देखो अभी इसको ठंडा करके पीसेंगे। ये देखो पहले से मैं बना के रखी हूँ, ये खाली 1/2 किलो का आपको दिखाने के लिए अभी हमने बनाए हैं। मैं पहले से 2 किलो का बना के रख, ये अभी इसमें कुछ काम नहीं, खाली पीसने का इसको, और पीसने के बाद देखो लाल लाल टमाटर लेने के, कि उसकी लाल लाल प्यूरी बनाए। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, हाँ पानी बिल्कुल नहीं, टमाटर का भी पानी निकाल देने का। आपको चाहिए दूसरे सालन में वो पानी डाल दो, लेकिन वो पानी नहीं लेने का। लेकिन आपको बताती हूँ, अगर आपको कलर वाले टमाटर नहीं मिले तो कलर मत डालो। क्या डालो, चुकंदर लाके, बीटरूट बोलते उसको, लाके काट के इसके अंदर डालेंगे, और फिर निकाल के उसको रखेंगे तो इसमें कलर आ जाएगा। हाँ तो हमने तो कलर वाला कुछ डाले नहीं, हम लाल लाल टमाटर लाए। अभी देखो आपको दिखा रहे, हमने अभी सुबह 2 किलो टमाटर का अलग से बना के रखे है, और अभी वीडियो बनाने का है, इसलिए आपको आपको बताने के लिए ये हमने 2 1/2 किलो का बनाया। अभी इसको खाली पीसने का काम है, और पीस के भर के रखने का काम है। अभी आपको बता रहे हमने जो 2 किलो बनाए वो, ये देखो हमने 2 किलो बनाए, हाँ वो आपको बता रहे हैं ऐसा बनाओ। ये 2 किलो है, वो हिसाब से अभी मैं 1/2 किलो में 1 छोटी चम्मच भर के विनीगर ली, हाँ 1 छोटी चम्मच भर के तेल ली, 2 चम्मच तेल डाली, वो हिसाब से तेल डालो। इसमें देखो 2 किलो का बनाए ना, इसमें 1/2 कप तेल डालो, और 1/2 कप
विनीगर डालो और 2 चम्मच भर के नमक डालो। इतनी इतनी चम्मच रही थी ना अभी मैं बताई आपको, वो चम्मच भर के 2 चम्मच भर के नमक डालो, इसमें पानी बिल्कुल नहीं। उसके बाद देखो एकदम सूखा सूखा बना के उसको पीसने का है खाली, और पीसने के बाद ये भर के रख देने का है किसमें, फ्रीजर के नीचे। ये देखो ऐसा ढक्कन लगा के भर के रख देने का, ऐसा ढक्कन लगा के भर के रखेंगे, और फिर जब तुमको जरूरत पड़ेगी तब जब तुमको सालन बनाने का है वो हिसाब से, ये देखो ये 2 किलो का इतना बना है तो वो हिसाब से ये 2 चम्मच भर के सालन में डालने का, क्योंकि ये 2 किलो का अपन 2 किलो टमाटर का बनाए वो हिसाब से 2 चम्मच डालो। अगर जास्ती अपने पास घर में जास्ती लोग है तो 3 चम्मच डालो। अभी ऐसा सूखा सूखा बना के रखो। अगर आपको आपके पास ऐसा नहीं रखने का है तो आप क्या करो, बर्फ की ट्रे लो, उसके अंदर ये सब भरो और बर्फ में रख दो। जब चाहिए 2 टुकड़े 3 टुकड़े आपको जैसा ग्रेवी बनाने की वो हिसाब से निकाल के वो टुकड़े ले लो और सालन में डालो। प्यूरी फर्स्ट क्लास ऐसी बनाओ, ऐसी खाओ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।